सात अजूबों से एक अजूबा है ये। ये है आईपीएल टावर, ये आपको दिख रहा है, ये आईपीएल टावर है, एक अजूबा ये है। अभी चलते हैं नेक्स्ट अजूबे की तरफ, नेक्स्ट अजूबे की तरफ चल रहे हैं। ये है नेक्स्ट वाला अजूबा, देख लो कितना शानदार अच्छा वाला व्यू आ रहा है। ये अपना दूसरा अजूबा, ये है कॉलिजियम, ये है इस अजूबे का नाम है कॉलिजियम अजूबा है। और इसकी यहाँ पे देखो पूरी हिस्ट्री लिखी गई है, टोटल हिस्ट्री यहाँ पे है। अब यहाँ से चलते हुए अपन निकलते हैं नेक्स्ट तीसरे अजूबे की तरफ, और देख लो यहाँ का गार्डन का व्यू भी काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। तो अभी चल रहे हैं तीसरे अजूबे के पास में, तो तीसरा अजूबा कौन सा होने वाला है। और यहाँ पे देख लो बच्चों के खिलौने वगैरह वगैरह भी है, और छोटे बच्चे यहाँ पे देखो आराम से पानी के टैंक के अंदर नहा रहे हैं। ये देख लो ये बच्चे पानी के टैंक के अंदर नहा रहे हैं। और अभी पहुँच चुके हैं तीसरे अजूबे के पास, ये है अपना तीसरा अजूबा, इसका नाम है पीसा की झुकी मीनार। इस तीसरे अजूबे का नाम है पीसा की झुकी मीनार है ये। ये देख लो कैसा, मतलब आपने सात अजूबे नहीं घूम सकते हैं तो अजमेर में आके इन सात अजूबों को आराम से अपन देख सकते हैं। और ये आ गई थी पीसा की झुकी मीनार, इसकी आ गई ये पूरी, इसकी ये इसकी हिस्ट्री आ चुकी है। और यहाँ पर देख लो घोड़े से भी यहाँ पर घुमाया जाता है, बच्चे वगैरह एंजॉय ले सकते हैं। अभी चलते हैं, आ चलते हैं चौथे अजूबे के पास, चार नंबर का अजूबा कौन सा है उसके पास में अपन चलने वाले हैं। यहाँ पे देख ले कौन कौन सी पिक्चर्स में, हाँ अपन लेवल की तो देखनी है, हाँ तो बट बारह से लगा देगी अपने सेटअप नहीं बैठा है, अपने फिटिंग इस ऑप्शन को दे रहे हैं। चलो चौथा अजूबा कौन सा है भाई, वो वाला है ना, देख ऊँट की सवारी भी है, ऊँट की सवारी भी है, ऊँट की सवारी, ये देखो। तो अभी पहुंचने वाले हैं मेन, यहाँ सर्कल पे भी आ चुके हैं और अभी जाने वाले हैं। ये अपना आ गया है, ये आ गया अपने चार नंबर अजूबा। और यहाँ पर देख लो काफ़ी संडे के हिसाब से भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो अपन पहुंच चुके हैं चौथे अजूबे के पास, स्टेचू ऑफ, ये अपना चौथा अजूबा, इसका नाम है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, इसका यहाँ पे पूरा इतिहास लिखा गया है और अंदर जाने के लिए बिल्कुल सख्त मना है। तो यहाँ से चलते हैं अपन, चार अजूबे हो गए, अब यहाँ से चलते हैं पांचवे अजूबे की तरफ, है ना। ये पांचवा, ये वाला, ये वाला पांचवा अजूबा, ये आ गया मिस्र का विशाल पिरामिड। ये है मिस्र का विशाल पिरामिड, इसका इतिहास भी यहाँ पे लिखा है। यह है पिरामिड, तो अपन दूर नहीं जा सकते तो अजमेर में आके इन अपनी प्राचीन कला करते हुए यहाँ देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट पहुँचने वाले हैं अपन, नेक्स्ट पहुँचने वाले हैं, कितने अजूबे हो गए, एक दो तीन चार पाँच, अभी पहुँचने वाले छः नंबर अजूबे के पास में। ये आ गया अपना छः नंबर का अजूबा, छः नंबर अजूबे के पास में पहुँचने वाले हैं। ये आ गया छः नंबर का, इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर, ये क्राइस्ट द रिडीमर का स्टेचू बनाया हुआ है, क्राइस्ट द रिडीमर का। और इसका ये पूरा इतिहास यहाँ पे आ गया है, ये आ गया इसका पूरा इतिहास। और ये आ गया क्राइस्ट द रिडीमर, ऐसा दिखता है। और अभी सबसे एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव और जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, तो उसको हम देखने वाले, जिस अजूबे का जो वर्ल्ड में एकमात्र माना गया अजूबा है उसको देखने हैं। तो ये आ गया अपना
सबसे एक्सपेंसिव अजूबा ये है ताज महल। ये देखिए एक्सपेंसिव है और इसको बताने वाले हैं अपन, इसको बताने वाले हैं का यहाँ का पूरा इतिहास का फोटो वगैरह। तो चलते हैं इतिहास देख लेते हैं और देख लो यहाँ पे नाइट के टाइम में यहाँ पे फवारे वगैरह भी चलते हैं। तो ये आ गया अपना लास्ट वाला एक्सपेंसिव अजूबा, ये लिखा हुआ यहाँ का पूरा, ये यहाँ का पूरा इतिहास आ गया है। और ये ताजमहल, ये देखो एक्सपेंसिव अजूबा। हम दिल्ली आगरा नहीं जा सकते हैं, अजमेर में आके इस वाले अजूबे का भी ले सकते हैं। और एक बार मैं यहाँ से आपको पूरे सात अजूबे बताने वाला हूँ। ये देख लो फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, वो आ गया फोर्थ, उसके बाद में ये आ गया फाइव, ये आ गया सिक्स और वो आ गया सेवन। देख लो काफ़ी टाइम से भीड़ है और काफ़ी अच्छा यहाँ का प्यारा व्यू है। संडे की जैसे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और ये सात अजूबे हैं। मैं भी यहाँ फर्स्ट बार ही आया हूँ, तो अजमेर में आके आप यहाँ पे इन सात अजूबों का लुत्फ उठा सकते हैं और सात अजूबे देख सकते हैं।